किसी बात का हमें अभी तक पता नहीं लगा। और अगर पंजाब से आते हैं तो मैं पुलिस वाले अगर पकड़ते हैं, पुलिस प्रशासन अगर पकड़ती है तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इनको भी पकड़ो। चलाओ सर दी हेल्प करो। क्या नाम है आपका? तनिष्का। कहाँ रहने वाले हैं? जयपुर के। क्या हुआ था? हम आ रहे थे तो रोड पे गाय माता आ गई और एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और फिर वो ट्रक वाले अंकल की गोल लगी थी, और फिर हम तो बच गए और हमारी मम्मा भी बच गई है ना। आपको लगी तो नहीं? हमको नहीं, हम मेरे को नहीं लगी, पेट में दर्द हो रही थी, सिर्फ बस पेट में दर्द हो रही है, पेट में लगी है। हेलो, तो अभी ट्रक वाले अंकल को लेके गए हैं हॉस्पिटल, और गाय माता को भी लेके गए हैं। महक, कहाँ से आ रहे थे आप? हम जम्मू से आ रहे थे, जयपुर जा रहे थे, तो एकदम से हम स्लीपर में बैठे थे, वैसे तो पता नहीं लगा, लेकिन इधर से इधर ऐसे झटका लगा तो एकदम से बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। तो फिर क्या उसके बाद क्या देखा आपने? उसके बाद कुछ नहीं, कोशिश की कि जल्दी से जल्दी बाहर निकले, धुआं निकल रहा था बस से बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को बचाने की कोशिश थी सबसे पहले तो बस। और हाँ, बता रहे हैं कि गाय को बचाने के लिए इन्होंने डिवाइडर क्रॉस कर दिया, सामने ट्रक आ रहा था, बस ऐसे ही बताया जा रहा है। जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित चंद है। अमित चंद जी, बताएंगे क्या हुआ हादसा? यहाँ हादसा गौ माता आई थी रास्ते में, गौ माता को बचाने के लिए ड्राइवर ने पूरी कोशिश की, और ड्राइवर ने बचाते बचाते साइड पे की गाड़ी, और आगे से टैंकर आ रहा था उसके साथ टकरा गई। हाँ, डिवाइडर पे चढ़ाई, और क्यों चढ़ाई? वो गौ माता को बचाने के लिए। और हम आपके माध्यम से ये कहते हैं, हमने कम से कम कोई 100-150 रेस्क्यू किया होगा गौ माता का और नंदी का, और हम हर वीडियो में हर आपके माध्यम से भी यही कहेंगे कि हाईवे पे ये बेजुबान जानवर आते तो आते कहाँ से हैं, और हमारे हिंदू धर्म में इनको गौ माता और नंदी कहते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ कि यार हमारा बरनोटी से बरवाल मोड़ तक यहीं पे ज़्यादा ही नंदी हैं और गौ माता हैं, और ये कहाँ से आते हैं?
इसी बात का हमें अभी तक पता नहीं लगा। और अगर पंजाब से आते हैं तो मैं पुलिस वाले अगर पकड़ते हैं, पुलिस प्रशासन अगर पकड़ती है तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इनको भी पकड़ो, इनकी वजह से हो। ये तो शुक्र है भगवान का कि ये बच गए, अगर बड़ा हादसा होता तो ये छोटी सी नन्ही सी परी है, क्या बोल रही हैं, इनको देख के मेरी आंखों में भी पानी आ गया कि शुक्र है भगवान आपने नन्ही नन्ही परियों को बचा दिया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। ये कोई डेढ़ घंटा हो गया अभी तो, ना तो जहाँ पे कोई टीम आई, अभी पुलिस वाले आए थे जो भी है, जिन्होंने अभी हेल्प की है जो भी है, लेकिन है कि अभी इनको बोल रहे हैं कि ये क्रेन लाएं, कोई कहाँ से लाएंगे ये क्रेन। अब बस रोड पे खड़ी है, एक साइड से रोड ब्लॉक हुआ है, ठीक है ना, तो कैसे निकलेंगी गाड़ियाँ। अभी बच्चे रोड पे खड़े हैं, मतलब कि महिलाएं भी रोड पे ही हैं, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कोई यहाँ पे कोई अभी तक आया नहीं है। वो कहीं सुरक्षित जगह पे पहुँचाया जाए जहाँ पे अभी सांप है, कीड़े हैं, जो भी है, तो इनको पहुँचाना ज़रूरी है। यहाँ पे सेफ तो है नहीं यहाँ पे, तो इनको थोड़ा देखना चाहिए कि यहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं यहाँ पे, है ना सर। तुम मौके पर आए, क्या गल हुई है? अच्छा, कोई लोग जख्मी हुए इसमें? ना कोई नहीं हो, ड्राइवर की माड़ी लगी, टैंकर ड्राइवर की, बाकी कुछ नहीं है।